नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड के बीच जो ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना है, इस मैच की फैंटेसी अपडेट के बारे में, किस तरीके से आपको टीम बनानी है, कौन कौन से प्लेयर्स को टीम में रखना है, ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है, पिच की क्या रिपोर्ट है, प्लेयर की क्या स्टैट्स है, सारी कुछ अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छी टीम बनाने में हेल्प होगी। इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहना, और मन के रावण को मार लिया हो तो वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पर क्लिक, ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिल सके। साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। और हाँ, फाइनल चीज है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर ले, ताकि आपको वहां पर हमारी फाइनल टीम मिल सके। दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम सीधे चलते हैं टीम न्यूज की तरफ। तो टीम न्यूज ये है कि आपकी इंजरी की तो कोई अपडेट फिलहाल में नहीं आ रही है दोनों ही टीमों की तरफ से। दोनों ही टीमों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पर बनी हुई है। इनके 4 मैच इन्होंने खेले हैं और 2 मैच हारे हैं और 2 मैच जीते हैं, और 2 मैच जो जीते हैं वो बैक टू बैक जीते हैं। तो बहुत अच्छे फॉर्म में आ चुकी है ऑस्ट्रेलियन टीम और ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स। इसके बाद बात करें नेदरलैंड की टीम की, तो इन्होंने 4 मैच खेले हैं, 1 मैच इन्होंने जीता है, बाकी 3 मैच इन्होंने हारे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम दोनों ही टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, ये दोनों ओपन करेंगे। नंबर 3 स्टीवन स्मिथ, मानस लहुचेन, जोश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जंपा और जोश हेजलवुड, ये हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। ये कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, और चेंजेस करने के लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि सारे प्लेयर फॉर्म में आ चुके हैं। बात करें मिचेल मार्श की, तो मिचेल मार्श ने पिछले वाले मैच में 121 रनों की पारी खेली थी, अच्छा खेलते हैं। डेविड वॉर्नर आपके हिटिंग भी कर रहे हैं, संभाल के भी खेलते हैं और विकेट बचा के खेलते हैं। स्टीवन स्मिथ अगर जल्दी विकेट गिरती है तो लंबी पारी आज के मैच में खेल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेदरलैंड की प्लेइंग 11 की तरफ। तो विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओडाउड, कॉलिन एकरमैन, बस दे लीडे, तेजा नेदामुल्लू, स्कॉट एडवर्ड्स और सैयद एगलबर्ग, वॉन मैरवे, एल्वन बी, आर्यन दत्त और पॉल वैन मैकेरम, ये हो सकती है नेदरलैंड की प्लेइंग 11। नेदरलैंड की प्लेइंग 11 के अंदर एक चीज अच्छी है कि इनके बैटर से ज्यादा बॉलर रन बनाते हैं। ठीक है, तो जो इनके एल्वन बी है, वैंडर मैरवे है और पॉल वैन मैकेरम है, ये ज्यादा रन बना सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले मैच में आपने देखा है कि इन्होंने ज्यादातर रन बनाए हैं। स्कॉट एडवर्ड्स आज के मैच में एक और अच्छी पारी खेल सकते हैं, और आज मेरी जो प्रोडक्शन जा रही है वो ऐसा लग रहा है मुझे कि तेजा नेदामुल्लू आज के मैच में रन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। अब चलते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, 2 मैच खेले गए दोनों टीमों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया ने दोनों के दोनों मैच जीते हैं, नीदरलैंड को अभी तक जीत की उम्मीद है। और इस वाले वर्ल्ड कप में भाई खास तौर से ये हो रहा है कि जो पुराने वाले रिकॉर्ड है वो टूट रहे हैं और टीमें बदला ले रही हैं। देखो, भारत ने 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा न्यूजीलैंड के साथ, आपकी अफगानिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, कभी ये जीते नहीं थे। इसके बाद अफगानिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ा इंग्लैंड के साथ, वो भी नहीं जीते थे। नेदरलैंड ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ा था, तो नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था। तो बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं आज के मैच में। अगर आप मतलब कमजोर कड़ी लेके चल रहे हैं नेदरलैंड की टीम को, तो ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हो, ये गलती है आपकी तरफ से। ठीक है, नेदरलैंड को आपको कमजोर बिल्कुल भी नहीं समझना है, बहुत अच्छी इनकी बॉलिंग करा रहे हैं बॉलर्स और बहुत अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं इनकी बॉलर्स। अब हम चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ, मैच कहां खेला जा रहा है और किस तरीके की पिच है। तो मैच जो खेला जा रहा है वो अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है, जो कि आपका दिल्ली में मौजूद है। यहां की जो पिच है, बैटिंग पिच है, नो डाउट गुड फॉर पेस है, पेसर्स के लिए मदद है, लेकिन पिछले वाले मैच के अंदर, जो पिछला वाला मैच हुआ था अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, इसमें मैं आपको बता दूं अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग कर दी और 284 रन बनाए थे ऑल आउट होके। ठीक है, 284 रन ऑल आउट होके बनाए थे, अच्छे रन बन गए थे। और वही इंग्लैंड इसके जवाब में सिर्फ 215 रन बना पाई थी और ऑल आउट हो गई थी, पूरी की पूरी टीम से मट गई थी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि पिछले वाले मैच में जो विकेट गिरे थे, टोटल 5 विकेट मिले थे पेसर्स को, और जिसमें से 13 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे, 13 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे। तो पिच ये कह सकते हैं हम कि पेसर्स के लिए ना हेल्प होके फिलहाल की जो पिच है वो आपके स्पिनर के लिए ज्यादा हेल्प कर रही है। ठीक है, एवरेज स्कोर जो यहां पर बनता है 250-252 के लगभग बन जाता है पहली पारी में। इस ग्राउंड के ऊपर लास्ट 5 मैचों में 71 विकेट गिरे हैं, जिसमें से आपके पेसर्स ने 44 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स ने 27 विकेट लिए हैं, जिसमें से 13 विकेट पिछले वाले मैच में गिर गए थे। ठीक है, ये तो हो जाती है पिच की रिपोर्ट। यहां से आपको थोड़ा सा जो ज्यादा ध्यान रखना है वो पेसर्स के ऊपर ना रख के स्पिनर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो आज के मैच में
आपके आर्यन दत्त और इनकी तरफ से मैरवे वेंडर मैरवे और ग्लेन मैक्सवेल, ये तीन बॉलर बहुत ज्यादा खास रहेंगे बॉलिंग सेक्शन की तरफ अगर हम देखते हैं तो। ये तो हो जाती है आपकी रिपोर्ट पिच की। अब चलते हैं प्लेयर के स्टैट्स की तरफ, जहां से आपको पता लगता है प्लेयर कैसा खेल रहे हैं, कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है। सबसे पहला नाम है मिचेल मार्श का। मिचेल मार्श की बात करें तो हेड टू हेड में तो कोई मैच खेला नहीं है, ग्राउंड के ऊपर भी मैच नहीं खेला है ओडीआई का। 31 रन, 0 रन, 7 रन, 52 रन और 121 रन, पिछले वाले मैच में 121 रनों की बेहतरीन पारी खेल के आ रहे हैं, तो फॉर्म में अच्छे खासे बने हुए हैं। और इन्हीं की बदौलत ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने दो मैच जीते हैं बैक टू बैक, वो इसलिए जीते हैं क्योंकि इन्होंने, इनके जो ओपनर्स हैं इन्होंने रन बनाए थे। इसके बाद बात करते हैं डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर की बात करें तो 48 रन, 41 रन, 13 रन, 11 रन और 163 रन, 150 रन मार के आ रहे हैं पिछले वाले मैच में। डेविड वार्नर बहुत अच्छे फॉर्म में और बड़ी टीम के सामने मार के आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि इस टीम का अगर पहले बैटिंग करी ऑस्ट्रेलिया ने तो क्या हालत हो सकती है। स्टीवन स्मिथ, स्टीवन स्मिथ 46 रन, 19 रन, 0 रन और 7 रन, मेरा ऐसा मानना है कि आज के मैच में स्टीवन स्मिथ रन बनाएंगे, पिछले 3-4 मैचों से फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। मानस लेउस्टिन 27 रन, 46 रन, 40 रन और 8 रन, ये इनका रिसेंट फॉर्म चल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं जोश इंग्लिस। जोश इंग्लिस तक बैटिंग आना बहुत मुश्किल है अगर चेस किया ऑस्ट्रेलिया ने तो। 48 रन, 5 रन, 58 रन और 13 रन, जब जब मौका मिला है एक मैच छोड़ के एक मैच में रन बनाते हैं आपके जोश इंग्लिस, लेकिन मौका मिलना इन तक बहुत मुश्किल की बात है। अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया टीम ने और पहले बैटिंग की तो फिर हो सकता है कि इन तक बैटिंग आ सकती है। ग्लेन मैक्सवेल, इन तक बैटिंग में मान के चल रहा हूं कि नहीं आनी है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो 77 रन प्लस 1 विकेट, 15 रन प्लस 0 विकेट, 3 रन प्लस 2 विकेट, 31 रन प्लस 1 विकेट और 0 रन प्लस 0 विकेट। लेकिन एक अच्छी चीज है कि इन्होंने ग्राउंड के ऊपर एक मैच खेला और उसमें सिर्फ इन्होंने एक रन बनाया, विकेट कोई इनको नहीं मिली है। मार्कस स्टोइनिस ने पिछले वाले मैच में 2 विकेट लिए थे और इनकी बात करें तो 18 रन प्लस 1 विकेट, 29 रन प्लस 0 विकेट, 5 रन प्लस 0 विकेट, 20 रन प्लस 0 विकेट, 21 रन प्लस 2 विकेट, पिछले वाले मैच में 21 रन भी बनाए थे और 2 विकेट भी लिए थे। जैसे मेरे आसपास ही पटाखों की आवाज आ रही है, कल अगर पहले बैटिंग करी ऑस्ट्रेलिया टीम ने तो ऐसे ही पटाखों की आवाज आने वाली है अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर, और उसमें फूटते हुए नजर आएंगे नेदरलैंड्स के गेंदबाज, लगभग मुझे ऐसा लगता है। इन्होंने ग्राउंड के ऊपर भी एक मैच खेला जिसमें इन्होंने एक मैच खेला है उसमें 20 रन बनाए थे और 2 विकेट भी लिए थे, ठीक है। मिचेल स्टार्क 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट, 1-2 विकेट हर एक मैच में इनको मिल रहे हैं। एडम जैम्पा, इसके बाद पैट कमिंस ने ग्राउंड के ऊपर एक मैच खेला है जिसमें इन्होंने 2 विकेट लिए थे, ग्राउंड का इन्हें अनुभव है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, ठीक है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट, इस तरीके से इनका रिसेंट फॉर्म चल रहा है। एडम जंपा आज के मैच में बहुत ही खास रहेंगे, पिछले 2 मैचों से लगातार 4-4 विकेट लेने के बाद आ रहे हैं और आज के मैच में और ज्यादा खास हो जाएंगे अगर पिच में थोड़ी भी मदद हुई स्पिन के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेदरलैंड्स के प्लेयर, तो विक्रमजीत सिंह की बात करें तो 52 रन, 12 रन, 2 रन और 4 रन पिछले वाले मैच में, पिछले 2-3 मैचों से फ्लॉप चल रहा है 3 मैचों से, ठीक है। मैक्स ओ दाउद की बात करें तो इन्होंने भी कुछ खास नहीं उखाड़ा है, 5 रन, 16 रन, 18 रन और 16 रन, इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस चल रही है। कॉलन एकरमैन 17 रन, 69 रन, 12 रन और 29 रन, इनके विकेट इन्होंने नहीं लिखे हुए हैं कि भाई विकेट कितने निकाले हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा निकालने वाला इंसान है वो थोड़ा सा आलसी है, ठीक है। कॉलन एकरमैन का आपने रिकॉर्ड देख लिया है। तेजा नेदामुनरू की बात करें तो 5 रन, 21 रन, 20 रन और 9 रन, आज का मानना मेरा ऐसा तेजा नेदामुनरू रन बनाएंगे स्कॉट एडवर्ड्स के साथ मिलकर। स्कॉट एडवर्ड्स 30 रन, 77 रन और 16 रन, ठीक है, इस तरीके से इनका रिसेंट चल रहा है। इसके बाद सेवरट एंगल विरत, इन्होंने 29 रन, 19 रन, 70 रन पिछले वाले मैच में बना के आ रहा है, विकेटें भी इनको मिल जाती हैं, तो अच्छी खासी ये बॉलिंग भी करा लेते हैं, इनको टीम में रखना थोड़ा जरूरी होगा। बाकी आगे है रोगन मैंडर मैरवे, इन्होंने 1 रन प्लस 2 विकेट, 29 रन प्लस 2 विकेट और फिर 7 रन प्लस 0 विकेट, इस तरीके से इनका रिसेंट चल रहा है। आज के मैच में थोड़े से खास हो सकते हैं क्योंकि क्या है कि पिच में मदद है और पिच में मदद हुई तो फिर स्पिनर इनके ज्यादा खास रहेंगे। लोगन वॉन बीक की बात करें 2 विकेट, 28 रन प्लस 1 विकेट, 10 रन प्लस 3 विकेट, 69 रन प्लस 0 विकेट, ये अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं इनके बॉलर्स नेदरलैंड के।
आर्यन दत्त की बात करते हैं तो एक विकेट, दो विकेट, जीरो विकेट और तीन विकेट पिछले वाले मैच में तीन विकेट लेने के बाद आ रहे हैं। पॉल बेन मैकरम की बात करें तो एक विकेट, दो विकेट और एक विकेट। ये हो जाते हैं आपके प्लेयर्स के रिकॉर्ड, प्लेयर के स्टैट्स की एक किस तरीके से इनका रिसेंट फॉर्म चल रहा है। अब चलते हैं ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन की तरफ। तो ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन क्या करती है, तो देखो जोश इंग्लिश की बात करें तो इन तक बैटिंग आना बहुत मुश्किल है, और बैटिंग आई तो ट्रम्प प्लेयर साबित होंगे। बाकी स्कॉट एडवर्ड सेफ ऑप्शन रह सकते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों ही मतलब स्कॉट एडवर्ड की भी बैटिंग चलना बहुत मुश्किल है, बैटिंग तो आएगी लेकिन यहाँ इनकी बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। बैटर सेक्शन में डेविड वार्नर सेफ रहेंगे, कॉमन रहेंगे, मिचेल मार्श आपके लिए खुद सेफ रहेंगे ये भी, और स्टीवन स्मिथ थोड़े से ये भी सेफ ही रहेंगे क्योंकि जो आएगा वो आपके लिए रन बना के जाएगा पहले बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया टीम ने। इसके बाद आपके मानस लघुचेंज जो है वो ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं आज के मैच में। नेदरलैंड की तरफ बात करें तो आपके विक्रमजीत सिंह सेफ रहेंगे नेदरलैंड की टीम में, और कोई है नहीं। तेजा नेदामुंडू और मैक्स ओडाउट ट्रम्प प्लेयर से आबद्ध हो सकते हैं आज के मैच में, ठीक है। तेजा नेदामुंडू और मैक्स ओडाउट इनको आप ग्रैंड लीग में यूज कर सकते हो अगर करना चाहो तो, सेफ्टी मैन की जगह नहीं बनती है। ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल सेफ रहेंगे, कॉमन रहेंगे। मार्कस स्टोनिस आज के मैच में फिर से ट्रम्प साबित हो सकते हैं। इसके बाद नेदरलैंड की तरफ से बस दे लीडे और कॉलन एकरमैन दोनों सो सेफ रहेंगे, और एंगल ब्रेंथ जो है वो इनके ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं क्योंकि बैटिंग भी आती है इनकी अच्छी खासी इनको, और ये बॉलिंग भी कराते हैं। बॉलर सेक्शन में बात करें तो मिचेल स्टार्क और एडम जंपा दोनों सेफ रहेंगे और कॉमन रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस आज के मैच में थोड़ी सी डिफरेंट पिक रहेंगे। जोश हेजलवुड की बात करें तो जोश हेजलवुड आज के मैच में ट्रम्प साबित हो सकते हैं, तीन विकेट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेदरलैंड के प्लेयर की बात करें तो एलवन बीक है, एलवन बीक में आपके कॉमन पिक रहेंगे नेदरलैंड की टीम में। और इसके बाद है पॉल वैन मैकरम आपके लिए मोस्ट ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं इस मैच के अंदर क्योंकि ये बैटिंग भी इनको अच्छी खासी आती है और ये बॉलिंग भी बहुत अच्छी कराते हैं, ठीक है। तो गाइज ये हो जाती है आपकी ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन। अब मेरी प्रेडिक्शन क्या कहती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरी प्रेडिक्शन क्या कहती है वो मैं आपको बताता हूँ। डेविड वार्नर आज के मैच में स्टीवन स्मिथ के साथ मिलकर पक्का रन बनाएगा। मिचेल मार्श 30 रन के अंदर अंदर आउट हो जाएगा, मेरी प्रेडिक्शन ऐसी है। और मानस लघुचेंज आज के मैच में 40 प्लस रन बना सकता है अगर बैटिंग आई तो, पहले बैटिंग आई अगर ऑस्ट्रेलियन टीम की, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल को रन बनाना तो बहुत मुश्किल है, यहां तक बैटिंग आनी बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के मैच में एक विकेट जरूर लेगा, पक्का विकेट लेके जाएगा। इसके बाद बात करें मार्कस स्टोनिस की, मार्कस स्टोनिस को एक विकेट आज के मैच में मिल सकता है, बैटिंग आनी इनकी भी बहुत मुश्किल है सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया टीम ने। और बैटर से बॉलर सेक्शन में जानते हैं तो एडम जंपा आज के मैच में फिर से दो विकेट ले सकता है, पिछले वाले मैच में चार विकेट लिए थे लेकिन इस मैच में दो या उससे ज्यादा विकेट ले सकता है, ठीक है। बाकी पैट कमिंस और इनको मिचेल स्टार्क को एक एक विकेट मिल सकते हैं। अब हम जानते हैं नेदरलैंड की टीम में, तो नेदरलैंड की टीम में मेरी प्रेडिक्शन क्या कहती है, तेजा मुनरू आज के मैच में जरूर रन बनाएगा जो नेदा मुनरू है, स्कॉट एडवर्ड्स के साथ मिलके, कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के साथ मिलके तेजा मुनरू रन बनाएगा। और मैक्स ओडाउट और विक्रमजीत सिंह दोनों फ्लॉप होंगे आपके नेदरलैंड की तरफ से, ठीक है। कॉलिन एकरमैन और बस दे लीडे दोनों 20-20 प्लस रन बनाएंगे, और इनमें से किसी एक को एक विकेट मिल सकता है, एक या उससे ज्यादा विकेट मिल सकता है, ठीक है। पॉल वैन मैकरम आज के मैच में पक्का एक विकेट लेके जाएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन कहती है। गाइस अब हम चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम की तरफ, टीम किस तरीके से बनानी है। तो फिलहाल के लिए जो मैंने आपको टीम बनाकर बताई है या फिर मेरी टीम है वो साइड में आपको दिख रही होगी, लेकिन मेरी ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम को आपको वेट करना होगा, वो हमारी टॉस के बाद आपको अपडेट हो जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको हमारी फाइनल टीम मिल सके। बाकी गाइस इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।